तो हेलो फैमिली, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। जो आज की जो हमारी टॉपिक है, ये आपको घर का टीवी जो है, टीवी वाले जो मतलब ये डिश वाले जो एलईडी होती है, उसको जो है कंप्यूटर या कंप्यूटर में मतलब कैसे सेटिंग करना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इसे फाइनली जो है मतलब मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ गाइस। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसी भी चीज़ है जो मतलब कुछ ऐसे वायर हैं, ऐसे केबल्स हैं जो कि आपको वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे पहले जो है मैंने मतलब मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई थी जब मैं इसे सेटिंग कर रहा था गाइस, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। लेकिन यूट्यूब पे भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, सर्च करने के बावजूद भी मुझे जो इसके बारे में प्रॉपर से जानकारी नहीं मिली। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो है प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो देख सकते हैं गाइज हमारे पास एक डिश है, और जो है ये स्टेबलाइजर है, रिमोट मोड है। तो ये आपको जो है हमारा आज मॉनिटर बनने वाला है। तो अब मैं आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो लास्ट तक बने रहना है। तो गाइज ये हो गया आपको सीपीयू, ये हो गया आपको सीपीयू गाइज, और ये आपको हो गया एलईडी मॉनिटर, जिसको मतलब आप जो है इसे क्या चीज़ से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो है गाइज आपको यहाँ पे मैं मॉनिटर में लाइन देना है, मुझे यहाँ पे मॉनिटर में लाइन देने के लिए जो है पावर केबल जो है यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है। तो पावर केबल डालने के बाद जो है गाइज पावर केबल मैंने डाल दिया है। अब जो है गाइस आपको ये डिपेंड करता है, और मैं आपको इसमें कुछ पोर्ट्स हैं जिसके बारे में बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ की पोर्ट्स हैं, मॉनिटर में क्या क्या चीज़ की पोर्ट्स होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको ऑडियो वीडियो जो है इसका हो गया, ये आपको जो है पावर केबल की ये पोर्ट्स हैं, एंड ये HDMI है, और इधर जो है आपको देख रहे होंगे गाइस ये आपको USB है और HDMI है। और अब आपको इसमें चेक करना है आपके CPU में क्या क्या है, तो मैं आपको CPU के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ गाइस। ये देख सकते हैं ये पावर केबल की है, एंड ये आपको USB पोर्ट्स है, ये VGI पोर्ट्स है, USB, ये WLAN पोर्ट्स है, ये आपको माइक का है, और ये दोनों जो है आपको गाइस ग्रीन पोर्ट्स है, ऑडियो के लिए, आउटपुट के लिए है, इनपुट के लिए। ओके, तो ये आपको जो है फाइनल मतलब ये जो है जितना भी इसकी जानकारी थी ये हो चुका है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, रुके ना, अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये USB पोर्ट्स है, USB पोर्ट्स है, ये आपको रिसेट बटन है, ये हेडफोन का है, ये माइक का है। ओके, ये आपको स्टार्ट का बटन है गाइस। इसे जो है मैंने खुद से असेंबल किया था, ये USB को मैंने खुद से असेंबल किया था जब मैं हार्डवेयर की कोर्स कर रहा था, जब भी मैंने असेंबल किया था गाइस। तो आज मैं इसे अपने जो है डिश टीवी को जो है मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है कन्वर्ट करने वाला हूँ, और कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो है ये VGI जो है आपको ख़रीदना पड़ता है, ये VGI केबल। तो लेकिन ये VGI केबल जो है गाइस मैंने भी मार्केट से लाया, लेकिन इसी कोई जो है ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अब इसे जो है फिर वापस रिटर्न करने वाला हूँ, क्योंकि देख सकते हैं दोनों साइड जो है VGI है, आप देख सकते हैं। और जो हमारे जो मॉनिटर में मैंने अभी आपको दिखाया था, मॉनिटर में HDMI लगता है, और मेरे जो है CPU में VGI लगता है। VGI मतलब समझ रहे होंगे, अभी मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपको VGI पोर्ट्स, जो कि देख सकते हैं ये 6 पिन वाला पोर्ट्स जो है VGI हो गया, इसमें HDMI लगता है। इसके लिए आपको करना क्या है और क्या लगाना है, तो देख सकते हैं आप जो है हमारे लिए इसमें जो है गाइस। अब मैं आपको यहाँ पे पोर्ट करने वाला हूँ, आपको पावर केबल के थ्रू जो है पावर दे देते हैं इसमें। पावर देने के बाद जो है गाइस अब आपके साथ भी जो है ये नो सिग्नल की प्रॉब्लम्स आ रही होगी मोस्टली, जो है बहुतों के पास जो है नो सिग्नल की प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे जो है मैं सोर्स चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। इसके लिए जो आपको रिमोट होना ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लाइट दे दिया है, इसको भी कनेक्ट कर दिया है। अब इसे ऑन नहीं किया हूँ, तो इसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो HDMI to HDMI तो कन्वर्ट हो नहीं सकता है गाइस, और VGI तो क्योंकि इधर जो है HDMI है, इधर VGI है, और मेरे पास जो अभी पोर्ट से मैंने जो लाया केबल ख़रीद के वो VGI to VGI है। तो अभी जो है HDMI मैं इससे पहले जो है मैंने और भी पोर्ट्स लाए थे,
जिस ये वाला है रेंज का ही है, ये ओरिजिनल कंपनी है। ये जो है आपको VGI इसमें लगता है और HDMI जो है कन्वर्ट करता है। तो गाइस अगर आप भी मार्केट से ये वाला पोर्ट्स ख़रीद के लाए हैं तो ये मैं आपको पहले बता दूं, सैमसंग की जो पुरानी वाली LED TV होती है इसमें ये काम नहीं करता है गाइस। सैमसंग की जो पुरानी वाली TV है इसमें ये काम नहीं करता है। आपको जो है नो सिग्नल और कुछ प्रोसेस मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले VGI को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है, अब इसको जो है इसमें केबल में इसमें मैं डाल देता हूँ। तो ये इसमें मैंने कनेक्ट कर लिया गाइस। अब जो है इसमें अपने मॉनिटर में लगाते हैं, देख सकते हैं VGI2 वाले में लगा रहा हूँ। यहाँ से जो है मैं आप इसे ऑन करता हूँ, तो ये फाइनली जो गाइस ऑन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके रिमोट की, आपके पास रिमोट नहीं है तो आप जो है मॉनिटर के बटन से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर के बटन से काम करने से बेस्ट है आपके पास रिमोट है तो उससे काम कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्स वाला बटन आपको मिल जाएगा, सोर्स पे क्लिक करना है और जो यहाँ पे आपको नीचे आगे HDMI 2 दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये HDMI 2 पे आकर के क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है मुझे, नो सिग्नल, चेक द केबल कनेक्शन एंड द सेटिंग ऑफ योर सोर्स डिवाइस एंड सेकेंड नंबर प्लेस सोर्स ऑन योर रिमोट कंट्रोल टू सेलेक्ट द कनेक्ट सोर्स डिवाइस। तो गाइस ये ऐसा कुछ मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुआ था इस चीज़ को लेकर के। तो जो मैंने आपको जब कनेक्टर दिखाया था गाइस, ये कनेक्टर आपको नहीं लेना है, ये कनेक्टर जो है वो गाइस नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला देखिए ये VGI मेरा सही है। मैंने काफ़ी जितने भी मेरे पास और भी मॉनिटर है, देख सकते हैं साइड में भी मॉनिटर पड़ा हुआ है, ये सब मैंने चेक किया था तो ये सब मैं काम कर रहा, लेकिन ये इसमें काम नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है VGI टू VGMI में काम कर रहा है, VGMI टू HDMI में काम नहीं कर रहा है। तो इसको जो है मैं इसे दूर करता हूँ। आपको जो ज़रूरत पड़ेगी आप नॉर्मली जो है HDMI टू HDMI एक ले लेना है आपको, आपके मार्केट में मिल जाएगा आपको ये। आप ये जो है आपको 150 से 200 के बीच में मिल जाएगा, ये आपको ले लेना है। और दूसरा VGA HD TV कनेक्टर लेना है इनपुट वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या होता है वो मैं दिखा दूँ, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, आप वो वाला परचेज़ करना जिसमें आपको जो है ये चार्जिंग का जो है USB केबल कनेक्टेड मिले, कनेक्शन मिले, तभी जाके आप जो है ऐसे सिस्टम बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे गाइस। आप कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। ओके, तो मैं यहाँ से आपको जो है कनेक्ट करके आप दिखाने वाला हूँ। इसे मैंने लॉक कर दिया है और फिर से इसे HDTV में डाल देते हैं। इसको जो है आप क्या करना है गाइस, इसको जो है इसमें जो है सॉरी ये वाला पोर्ट्स को किस में डालना है आपको, अपने CPU में। सो ध्यान रहे इसको CPU में डालना है, तो मैं आपको यहाँ पे CPU में इसे जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। CPU में कनेक्ट करने के बाद बढ़िया से इसे जो है टाइट भी कर लेते हैं, क्योंकि अब इसे यूज़ करना है तो इसे तो अब जो है इसमें आपको क्या करना है गाइस, इसमें कनेक्ट करने के लिए आपको ये VGMI इसमें डालना है। इसमें डालने के बाद जो है गाइस आपको ये वाला VGMI जो है आप किसी में भी 1 या 2 में डाल सकते हैं। ये हो गया आपको मतलब सेटिंग हो गई, लेकिन फिर भी ये अभी नहीं आ रहा क्योंकि मुझे इसको भी जो है इसमें कनेक्ट करना है। इसको आप कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको वो बता दूँ। ये चार्जिंग पिन वाले को इसमें जो है आपको डाल देना है DC 5 वोल्ट में। जब तक इसमें DC का लाइन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट करंट नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये काम नहीं करेगा। ये इसमें डालने के बाद जो है गाइस आपको इसमें किसी भी वोल्ट्स में
डाल देना है, किसी भी यूएसबी वाला में डाल देना है। अब आपको जो मैं करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ से आपको मोड चेंज करना है, सोर्स पे क्लिक कर लेना है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ गाइज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे HDMI 2 जो है सेलेक्ट हो गया है, दिख रहा है। तो यहाँ से फिर से मैं ये करता हूँ और HDMI 2 पे जो है सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ। अभी जो है नो टाइम इन्फॉर्मेशन दिख रहा है और देख सकते हैं ये फाइनली मेरा हो चुका है सब कुछ। ये मेरा सैमसंग पे ये खुल चुका है और ये गेस्ट यूज़र खुल चुका है। अब मैं आपको यूज़र भी खोल के दिखाने वाला हूँ गाइज, तो मैं इसके बारे में कुछ बता दूँ। आप जब भी परचेज करना तो ये वाला करना जिसमें जो है DC का जो है कनेक्टर हो। ये वैसे मैंने 850 में परचेज़ किया है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो 500 में भी हो जाता है, लेकिन ये जो है मेरा ओरिजिनल वाला है, फुल HD 1080 का है, तो 850 में मैंने आज ही परचेज़ करके लाया हूँ। चलिए अब जो है मैं आपको यहाँ से माउस कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है कीबोर्ड कनेक्ट करता हूँ, हो गया। चलिए मैं माउस कनेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसमें देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो एज़ यू नो गाइस, इसकी माउस के लिए भी आपको USB में किसी भी में आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है, आपको जहाँ लगे अच्छा, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ हो जाना चाहिए। मैंने जो है माउस कीबोर्ड कर दिया है, अब रहा माउस की बारी, तो मैं माउस को भी जो इसमें अगर आपके ID मतलब आपके पास ये अगर नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है गाइस, तो आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है। आप जो है यहाँ देख सकते हैं गाइस, मेरा माउस भी काम करने लगा है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं अपना ID खोलूँ तो मेरे ID के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ID, मेरी प्रोफाइल दिख रही है, क्योंकि ये जो है मैं लगभग 5 साल पहले मैंने इसे असेंबल किया था और अभी तक मैंने अपनी जो है ये वाली ID नहीं खोला हूँ। तो यहाँ पे स्विच यूज़र करके मैं गेस्ट यूज़र खोल के आपको दिखाने वाला हूँ। गेस्ट यूज़र पर मैंने क्लिक किया, सो फाइनली जो है गाइस ये अब मेरा सिस्टम मॉनिटर बन के तैयार है, मॉनिटर बन चुका है और इसे मैं अब जो है अच्छे तरीके से यूज भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, हम जो भी चाहें। तो सो गाइज, आपको जो है जानकारी मिल गई हो कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास सैमसंग की जो है पुरानी वाली LED 2020 मॉडल की है, तो आप कोशिश करना कि ये वाला कनेक्टर परचेस करना, जो मैंने आपको बताया था ये वाला परचेस करके मत ले आना गाइज, क्योंकि ये जो है काम नहीं करता है। और फालतू का ये 400 रुपये का जो है मैंने परचेस किया था, उसके साथ BGMI भी मैंने परचेस किया था। मेरे पास पुराना वाला था तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो ख़राब हो गया हो, लेकिन ये भी फालतू का जो है मेरा 700-800 रुपये इसमें बर्बाद चले गए हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो और आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई हो गाइस कि कैसे इसे हम ओपन करते हैं, कैसे जो है कनेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मतलब होम TV टू सिस्टम, या इसे बोलते कंप्यूटर। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू एंड टेक केयर गाइज़।